मैं राधेश्याम प्राविधि विज्ञ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर ई लेक्चर 34 सब्जेक्ट कोड 108 मार्टिन गेज बनावट चिन्ह गेज जैसी होती है। इसमें एक पिन स्थिर होती है। इसमें दूसरी पिन को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। दोनों पिनों के बीच की दूरी इच्छानुसार समायोजित की जा सकती है। इससे एक साथ दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इसी कारण टेनन और मार्टिन के निशान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी के रेशों का लंबवत काटने डबलेट जोड़ के लिए गहरी लाइन खींचने और लकड़ी की पीतल परतों में समांतर पट्टियों काटने के लिए औजार आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। मार्टिन का सचित्र किया हुआ है। सावल ये इस्पात या पीतल का बना एक लट्टू होता है। इसमें नीचे का सिरा नुकीला होता है और दूसरी सिरे पर एक डोरी बंधी रहती होती है। डोरी को एक पट्टी में पिरोया जाता है। इस पट्टी की लंबाई लट्टू के व्यास के बराबर होती है। लंबाई पट्टी के सिरे को किसी सतह पर स्पर्श कराकर और लट्टू को हटाकर उस सतह की ऊर्ध्वता का परीक्षण किया जा सकता है जो कि चित्र में वर्णित है। मार्टिन गेज के पार्ट जैसे कि स्क्रू मार्किंग गेज मॉडल पिन फिक्स पिन थिकनेस स्क्रू स्टीम इत्यादि मार्टिन गेज के पार्ट्स होते हैं। अगले टर्न में हम कर्त औजार मतलब कटिंग टूलों के बारे में जानकारी लेंगे।